नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। जहां एक तरफ पराली मामले को लेकर किसान लगातार परेशानियां झेल रहे हैं, वहीं मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए पहुंचे किसानों को मौसम की मार का सामना करना पड़ा। फतेहाबाद में रात को हुई तेज बारिश में किसान की धान भीग गई और मार्केट कमेटी के द्वारा तिरपाल की कोई व्यवस्था नहीं होने के चलते अनाज मंडी में खुले में पड़ा किसानों का धान पूरी तरह से बारिश में भीगता रहा। किसानों का कहना है कि तिरपाल के साथ साथ अनाज मंडी में पानी निकासी की कोई व्यवस्था मार्केट कमेटी में नहीं की गई, जिसके कारण पानी निकासी नहीं हो पा रही और धान पानी में पड़ा है। किसानों ने बताया कि मंडी शेड के नीचे ज़्यादा जगह नहीं होने के चलते अधिकतर किसानों ने खुले आसमान के नीचे ही अपना धान रखा हुआ है। धान की ढेरों में नमी होने के चलते कई किसान काफ़ी दिनों से मंडी में बैठे हैं। अब बारिश में धान भीगने के चलते सरकार खरीद एजेंसियाँ और व्यापारी धान को औने पौने दामों पर खरीदेंगी, जिससे घाटा किसान का ही हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ व्यापार मंडल में भी मार्केट कमेटी की व्यवस्था को लेकर रोष जाहिर किया है। व्यापार मंडल का कहना है कि धान की खरीद शुरू होने से पहले ही व्यापार मंडल ने पत्र लिखकर मार्केट कमेटी को मंडी में पानी की निकासी, तिरपाल की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था ठीक करवाने के लिए आग्रह किया था, लेकिन मार्केट कमेटी ने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अब रात को हुई तेज बारिश के चलते किसानों और व्यापारियों दोनों का धान पूरी तरह से ही भीग गया। धान की ढेरियाँ पानी से लबालब हुई साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर। रात में रात सारी रात मीह पैंदा रहा जी, के कोई ढकण की व्यवस्था है नहीं सी। सारा रिसीवर के उत्ते ढेरी ला रखी है जी, पलेदार कोई काम आता ही नहीं का। सारा धान भिज गया? हाँ जी, सारा भिज रहा था। तो किन्ना नुकसान होया? नुकसान तो 50 मन च होना, 25 मन भिज गया जो। पूरी मंडी च एवें हाल है पूरा? हाँ जी, हाँ जी, सारी मंडी च हाल है। की नाम है तुम्हारा? हुआ मंडी में नुकसान तो काफ़ी हुआ है मंडी के अंदर, जैसे जिम्मेदार माल ले गया है दुकानदार के पास, तपाल भी है, फिर मार्केट कमेटी की तरफ से कुछ प्रबंध नहीं है, ना तो लाइट का प्रबंध है इनके पास, ना कोई निकासी का, जो लाइन है बंद पड़ी है काफ़ी टाइम से, जब से ये बने हैं तब से बंद पड़ी है सीव लाइन। तो कितना एक नुकसान मानते हैं? नुकसान तो 25% है जी इस टाइम जिम्मेदारों का। तो कोई व्यवस्था नहीं की रात को तिरपाल की? कोई आरटीओ के पास तो तपाल है, मार्केट कमेटी की तरफ से कोई ना प्रबंध नहीं है ना, लाइट का, कोई पानी का, किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं, कोई निकासी का नहीं है। बारी बारी अपार्टमेंट की तरफ से लिखा गया इनको लेटर, डायरेक्टर के बारे में भी फोन किया गया था, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लापरवाही है लापरवाही मार्केट की तरफ से। क्या नाम है आपका? विजय कुमार का। क्या पता है आपका? अकाउंट अपार्टमेंट।